मुझे गोली मार दो किसने? मेरे जेठ गुलवेज और मेरे पति इमरान, मेरी नंदे रूसा तो हायरा और उनके मेरे भाई बुरा, ये सब कुछ उन्हीं के कहने पे हो रहा है। तो क्यों आपको जला के मारने की कोशिश करी? पहले तो मुझसे दहेज की डिमांड कर रहे थे, 5 लाख रुपए घर से लेकर आओ, मैंने मना करा, इसलिए उन्होंने सब कुछ करा। तो उसमें आपके पति का भी हाथ है क्या? हाँ। तो आपके पति ने बचाया नहीं आपको? नहीं। तो दहेज के अलावा और कोई मांग? ना। किस बात को लेकर विवाद होता था? दहेज को लेकर। तो रिपोर्ट? वो ट्रैक्टर चला जाएगा। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ जी। पुलिस तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही है यार? नहीं, पुलिस कोई लग की पुलिस तो कोई सुनवाई नहीं कर रही है, वो सब के सब उनकी तरफ से बात कर रहा है। कितने दिनों का घटना हुआ? आज शायद तीसरे चौथे दिन है। 3 महीने पेट से भी थी, उन्होंने मेरे बच्चे की भी जान ली, उन्होंने उसको भी मारा। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। योगी जी मोदी जी कहते हैं ना बेटी बचाओ, इसलिए बचाने को कहते हैं, उनको मारा जाए जलाया जाए। मेरे साथ कोई इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। रियाज भाई, ये जो सना का मामला चल रहा है, क्या मामला है ये? ये वही मामला है, अब ये यहाँ पर आई, इसने खुद ही यहाँ पर आई और तेल डाल लिया अपने ऊपर। फिर हमने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस के सामने इसने पूरी हकीकत अपनी बयान करी कि मैंने तेल खुद डाला है। मौर्य साहब इसके गवाह आएंगे, फिर इसके वाली साहब यहाँ से लेके गए यहाँ पर। वाली साहब ने इसके पेट में भी लाते मारी। अच्छा, वाली साहब ने लाते मारी जी? तो उसका कुछ आरोप है कि दहेज की मांग करते हैं? इस चीज़ में तो अगर ये होता तो उसी टाइम पे निकाह क्यों करते? निकाह किया वहाँ पर और फिर इसके घर भी अलग बनवा के दिया, ऐसे सास नंदों से भी किसी से कोई वास्ता नहीं आएगा, अलग घर बनवा के दिया, उसके बावजूद भी परेशान किया करती थी। तो अभी जो 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो क्या मानते हैं, झूठी FIR दर्ज कराई उसने? ये तो साहब सभी लोग हमसे नहीं और यहाँ मोहल्ले वालों से मालूम करिए, ये तो सारी झूठी अफवाहें फैला रही है कि वो देखिए वो तो रह तो ऐसे पाएगी नहीं कहीं पर भी। उसका मिजाज यह है कि उसको खुला छोड़ा जाए और उसे ये नहीं कहा जाए कि आप यहाँ घर में ये काम कर लो या वो काम कर लो या आप घर में रहो, जैसे पर्दा नशीन औरतें रहती होंगी उस तरह से उसे रखा जाएगा, तो वो इस सूरत से नहीं रह पाएगी, रह नहीं पा रही। हमने तो बहुत सब लोगों ने इस बात की कोशिश भी करके देख ली। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं अगर वो सही सहूलियत से रहे तो हमें कोई परेशानी थोड़ी है। ये खाता नगरिया में एक निकाह हुआ था करीब 1.5 साल पहले, उसके बाद इनका कुछ विवाद हो गया है और उसमें पति पत्नी का विवाद होने के बाद ये अपने मायके चली आई थी और वो दहेज का मुकदमा इसने थाने पर कायम कराया था। उसके बाद पुनः इसने जो है मारपीट का आरोप लगाकर एक FIR फिर दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। अच्छा, महिला का आरोप है कि तेल डाल के आग लगाने की कोशिश करी? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या मामला है, लेकिन वो अपने मायके में ही रह रही थी। इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है, ऐसे तथ्य सामने आए उसके हिसाब से कर रही है।